समाहरणालय भवन के प्रथम तल पर ई गवर्नेंस सोसाइटी के तहत क्रियान्वित पब्लिक हेल्प सेल यानी जन सहायता कोषांग के नियमित एवं विधिवत संचालन के लिए निर्मित कोषांग कक्ष का शुभारंभ आज उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया। इस कोषांग में पिरामल स्वास्थ्य संगठन के करुणा फेलो को शामिल किया गया है। ज्ञात हो कि जिला में पूर्व से क्रियाशील पब्लिक हेल्प सेल के प्रभावी संचालन हेतु पिरामल स्वास्थ्य संगठन के साथ जिला प्रशासन के द्वारा विगत अप्रैल माह में MOU हस्तगत किया गया था। जिले में संचालित इस पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए आम जनता लैंडलाइन नंबर 06582256301 और व्हाट्सएप नंबर 9279452376 एवं ईमेल ID का प्रयोग कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जिले में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां के व्यक्तियों को अपनी समस्या बताने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि समाहरणालय में जन समस्याओं के निराकरण के लिए जनता मिलन हेतु 2 दिवस निर्धारित है, परंतु दूर बैठे लोग भी मोबाइल मैसेज व्हाट्सएप ईमेल आदि के माध्यम से अपनी बातों को प्रशासन तक रख सके। इसी उद्देश्य को लेकर जिला स्तर पर पब्लिक हेल्प सेल का क्रियान्वयन किया गया। करुणा फेलोज या फिर हमारे पोर्टल से यहाँ से उनको कॉल वापस जाता है, उनसे पूछताछ होती है कि उनका इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ होता तो उनका फीडबैक दर्ज करते हुए कंप्लेंट वापस संबंधित अधिकारी को भेजते हैं। तो ये पश्चिमी सिंहभूम में जहाँ इतना बड़ा जिला है, 18 ब्लॉक है, गुदड़ी और टोंटो जैसे क्षेत्र हैं जहाँ से सभी को आना संभव नहीं है, किरीगुरु जैसे क्षेत्र हैं जहाँ से आने में ही 3 घंटा लग जाता है, वहाँ पर इस तरीके के इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। अब हम लोग चाहेंगे कि इसको अच्छे से रन कर सकें और आप सभी लोगों की मेहनत से हम लोग इसको ऐसा पोर्टल बना सकें जहाँ पर लोगों का जनता दरबार में आना कम हो सके। इसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसी कंप्लेंट को 2-3 कंप्लेंट्स में कन्वर्ट करके कि अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है तो हो सकता है कि लेबर कार्ड भी दिया जा सकता है, हो सकता है कि उसको राशन कार्ड भी दिया जा सकता है, तो इस तरीके की 3-4 कंप्लेंट्स में कन्वर्ट करके उसको मैक्सिमम लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये आप करुणा फेलो जो है आज की तारीख में आपका इंडक्शन पब्लिक सेल में हो रहा है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अहम रहेगा कि आप लोग पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से समझें, किस तरीके का इशू है वो किस डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, और अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो कुछ अधिकारियों के संज्ञान में टाइमली आना चाहिए, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और आपकी उन संबंधित विभागों के साथ एब्सोल्यूट फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि वो आप लोगों की सुने समझे और जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें।